राजस्थान की फूड हिस्ट्री में काफी इम्पोर्टेंस है दाल बाटी चूरमा की। इसे काफी लड़ाइयाँ भी जीती गई है, और ये भी कहा जाता है जो खाए दाल बाटी चूरमा वो बन जाए सूरमा। तो आइए आज ही इसी सूरमा बनाने वाले दाल बाटी की स्क्रैच से मेकिंग देखते हैं। इसमें लाल गेहूं का आटा होता है, अभी नमक डाल रहे हैं, बस नमक डालने के बाद इसमें डाला जाएगा पानी। तो ये देख सकते हैं इसमें जो है मोटे गेहूं का जो है आटा लिया गया है। तो ये देख सकते हैं अपनी यहाँ पे जो है बाटी का आटा जो है धीरे धीरे करके तैयार होते जा रहा है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो अपनी बाटी का आटा जो है अंकल पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल तैयार है सर, पूरी तरीके। अब इसकी बाटियां बनाएंगे अपन, अब इसकी गोल गोल बाटी बनेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो अपने बाटी का प्रोसेस चालू हो चुका है। देखिए बढ़िया से गोल गोल बाटी यहाँ पे बनाई जा रही है, देख सकते हैं। और कंटिन्यू प्रोसेस जो है चलता रहता है। दाल बाटी जो आपको जोधपुर में सुबह से लेकर रात तक खाने को मिल जाएगी। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पे जो अपनी बाटिया जो है लगभग देखिए लगभग लगभग तैयार हो चुकी है। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पे अपने बाटी के लिए देखिए गोबर के जो है उबले लाए गए हैं। ये जो है ट्रेडिशनल तरीका है, इसी पे जो है अपनी दाल बाटी जो है बनाई जाती है। अब देखिए इसको बढ़िया तरीके से निकालिए, पूरी आग लगा जाएगी। इसको जो है अच्छी तरह से सेट कर दिया जाएगा, एक एक करके देखिए अपने काउ डंग जिसको बोला जाता है इसे प्रॉपर तरीके से अपनी बाटी बनाई जाती है। तो भाई देख सकते हैं अपने कंडे ये पूरे अच्छे तरह से जल चुके हैं। अब इसको एकदम देखिए बारीक कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है बाटी सेकी जाएगी। तो भाई देख सकते हैं अपने यहाँ पे जो है बाटी आ चुकी है। अब इसको बढ़िया तरीके से सेका जाएगा। ये देखिए कैसे इसको बड़ी तरीके से रखा जा रहा है और इतनी ज्यादा हीट हो रखी है यहाँ पे। कितना टाइम लगता है इसको सेकने में? सेकने में सर कम से कम 20 मिनट से आधा घंटा। 20 मिनट से आधा घंटा देख सकते हैं इसकी अच्छी तरह से जो है अंदर से पूरी अच्छी तरह से सिकाई करी जाएगी। लगभग 20 से 25 मिनट जो है लगेगा इसको सिकने में। गाइस देख सकते हैं इसकी बढ़िया तरीके से पलटी लगाई जा रही है ताकि अच्छी तरह से सब साइड से जो बाटियां सिक जाए। ये आधी सिक गई है। हाँ देख सकते हैं यहाँ पे आधी सिकने के बाद जो है उसको यहाँ पे रख दिया जाएगा। तो भी अब इसका क्या करेंगे बाटी का बन? अब ये पूरी यहाँ पूरी बिछाई जाएगी, फिर इसके ऊपर ये पूरी रात आएगी। मतलब इसको अंदर दबा के सेकेंगे। दबा के सेकेंगे। तो देख सकते हैं इतना लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए आजकल जो है लोग गैस में ज्यादा बना रहे हैं, पर लेकिन जो ऑथेंटिक तरीका वो यही है। कितनी देर के लिए डालेंगे इसको अंदर? सर इसके 10 से 15 मिनट लगते हैं पकने में। 10-15 मिनट और रह गए। तो भैया ये अपनी दाल बाटी वाली दाल है, ये लगभग दाल पूरी तैयार हो चुकी है। ठीक है, ये मसाला पड़ रहा है जो गरम मसाला बोलते हैं इसको। इसमें दाल कौन सी रहती है? चने और मूंग की। देखिए ऊपर से जो आपने इसमें गरम मसाला डाला दाल बाटी की में। यस सर, स्पाइसी के लिए। तुम क्या बना रहे हैं इसमें? ये लहसुन की चटनी बन रही सर। लहसुन की चटनी? यस सर। देख सकते हैं इसके लिए सबसे पहले लहसुन ले लेंगे, उसको अच्छे से बारीक कूट लिया जाएगा। ये देख सकते हैं आप, अब इसको जो है बढ़िया से तेल में डाल दिया जाएगा। अब इसके अंदर ये लहसुन का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब आ जाएगी इसमें लाल मिर्च। लाल मिर्च ये एकदम स्पाइसी रहता है। स्पाइसी सर। अब इसको 5 से 10 मिनट लगेंगे पकने में। अभी तैयार हो जाएगा बिल्कुल। ये अपनी लहसुन की चटनी जो है बढ़िया वाली जो है कम्प्लीट हो चुकी है। ये कम्प्लीट अंकल पूरी ना? बिल्कुल कम्प्लीट सर। भाई देखिए इसको जो अब जैसे जैसे ऑर्डर आएंगे गर्मा गर्म जो है इसको निकाला जाता है। ये देख सकते हैं। और एक प्लेट में 2 पीस रहती है अंकल जी। अभी अपना क्या बन रहा है? चूरमा। चूरमा बन रहा है सर। देखिए सबसे पहले बाटी को जो है क्रश कर लिया गया है। अब इसके ऊपर डाला जाएगा अपना देसी घी।
प्योर घी में बनाया जाता है, प्योर शुद्ध देसी घी। ये किसी शक्कर बारीक देसी शक्कर, चीनी का पूरा, चीनी का पूरा, या ये काजू बादाम मिक्स कर लिया जाएगा, मिक्स कर लेंगे उसका लड्डू बना देंगे। इसका लड्डू बन जाएगा। और कितने रुपए का रहता है एक पीस? है ये एक पीस ₹50 है, ₹50 का एकदम ड्राई फ्रूट और घी से लोडेड। ठीक, कम्प्लीट है, बाटी जो है इसको बड़ी तरीके से चूर दी जाएगी। और राजस्थान में खाने का तरीका यही है, ऊपर से जो है देसी घी भी डाला जाएगा। ये देखिए प्योर देसी घी, इसके साथ दाल, ये दाल आ गई इसके साथ में, ये आ गया अपना लड्डू और ये आ गई छाछ का ग्लास। तो ये अपनी पूरी जो है तैयार हो चुकी है लगभग। ये आ गया पापड़ भी आ गया और ये आ गई इसकी लहसुन की चटनी। तो तैयार है भैया ये? बिल्कुल तैयार है सर। सैलेड भी आएगा थोड़ा सा, ये प्याज और देखो। अच्छा ये पूरा कंप्लीट है। ये कितने रुपए की थाली रहती है अगर किसी को खाने? ₹60 होते हैं, दो बाटी दाल प्याज नींबू लहसुन चटनी ये सब शामिल आ जाता है। घी एक्स्ट्रा है, चूरमा प्याज, ये चूरमा और पापड़ और छाछ एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है। तो अगर किसी को भी खाना हो जोधपुर के अंदर तो कहाँ पर आए, लोकेशन बता दो। ये भाटी दाल बाटी 5वीं पाल रोड सरदारपुरा जोधपुर। और कितने टाइमिंग क्या रहती है? टाइमिंग अपने सुबह 11 से लेकर रात को 10 तक का।